हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल वेमुरी मूर्ति हिंदी टू तेलुगु स्पोकन क्लास में स्वागत है, दिल के साथ स्वागत है। दोस्तों, आप जिस प्रकार से मेरे सभी वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार दीजिए दोस्तों, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा और कुछ नया चीज सिखा कर भी जाऊंगा। आज जो मेरा विषय है वो बच्चों के लिए है। किसके लिए है? बच्चों के लिए। हम घर में किस प्रकार से बच्चों से बातें करते हैं, हमें किस प्रकार से बातें करनी चाहिए और बच्चे किस प्रकार के होते हैं, इसी विषय में आज हम तेलुगु भाषा में सीखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो साइड में बेल बटन है उसे दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पिल्लेलु देवुनितो समानमु। पिल्लेलु देवुनितो समानमु, नहीं तो पिल्लेलु भगवंतुनितो समानमु। मतलब बच्चे भगवान के समान होते हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में तो प्रश्न उठ रहा है कि बच्चे भगवान के समान कैसे हैं? क्योंकि दोस्तों, बच्चे भगवान के समान इसलिए हैं क्योंकि बच्चे बहुत ही नादान रहते हैं, ना समझ होते हैं, और उनसे ऐसी बहुत सारी जो गलतियां होती हैं जो वो लोग जान जान कर नहीं करते हैं, समझ रहे हैं ना। इसीलिए हम भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं और हमेशा बच्चों को हम भगवान के समान ही मानते हैं। पिल्लेलु देवुनितो समानमु, बच्चे भगवान के समान हैं। बच्चों को पास बैठाओ। बच्चों को पास बैठाओ। पिल्ललनी दग्गरगा कूर्चोपेट्टुको। मतलब बच्चों को पास बैठाओ। मान लीजिए हमसे कोई बड़े उम्र में होंगे, हमसे बड़े होंगे, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, पिल्ललनी दग्गरगा कूर्चोपेट्टुकोंडी। पिल्ललनी दग्गरगा కూర్చోపెట్టుకోండి, దగ్గరగా కూర్చోపెట్టుకోండి. పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళేరా, వెళ్ళేరా, బచ్చే స్కూల్ గయ క్యా. పిల్లలు బచ్చే స్కూల్కి, స్కూల్కు వెళ్ళేరా, గయ క్యా. బచ్చే నాస్తా కియే క్యా. పిల్లలు టిఫిన్ చేసేరా. पिल्ललु टिफिनु चेसेरा। दोस्तों, जो नाश्ता जो शब्द होता है ना दोस्तों, हम तेलुगु में टिफिन ही बोलते हैं, टिफिन या टिफिनु बोलते हैं। वास्तव में कहा जाए दोस्तों, तेलुगु में हम इसको अल्पाहारम बोलते हैं दोस्तों, पर आजकल के लोग कहाँ बोलते हैं अल्पाहारम, आजकल लोगों को समझ में ही नहीं आता कि टिफिन को हम तेलुगु में क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। जो थोड़ा थोड़ा खाते हैं उसको हम अल्पाहारम ही बोलते हैं। बच्चे नाश्ता कर लिए क्या? पिल्ललु बच्चे टिफिन नाश्ता कर लिए क्या? जैसे सारा कर लिए क्या? जैसे सारा। स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? स्कूल लो यंतमंदी पिल्ललु चदुवुतुन्नारु। स्कूल लो स्कूल में यंतमंदी कितने सारे पिल्ललु बच्चे चदुवुतुन्नारु पढ़ रहे हैं। स्कूल में कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं? स्कूल लो यंतमंदी पिल्ललु चदुवुतुन्नारु। बच्चों से प्यार से बात कीजिए। बच्चों से प्यार से बात कीजिए। दोस्तों, ये जो प्यार का शब्द है ना दोस्तों, इसके बहुत सारी भावनाएं होती हैं। प्यार में ममता छुपा होता है, स्नेह होता है, श्रद्धा होती है, ये बहुत सारे जो भाव है ना दोस्तों, इसी प्रेम में छुपा रहता है, समझ रहे हैं ना। पिल्ललु तो प्रेमगा माटाडंडी, बच्चों से प्यार से बात कीजिए। बच्चों से पिल्ललु तो प्यार से प्रेमगा बात कीजिए, माटाडंडी। छत के ऊपर से बच्चों को बुलाओ। छत के ऊपर से इंटी पैनुंडी, इंटी पैनुंडी, बच्चों को पिल्ललनी बुलाओ, पिलवंडी। छत के ऊपर से बच्चों को बुलाओ, इंटी पैनुंडी पिल्ललनी पिलुगु या पिलवंडी। अगर हम वहां पे बुलाइए बोलेंगे, वहां पे हम
पिलवंडी बोलेंगे। अगर कोई छोटे लड़के को बोलेंगे तो पिलुबू। क्या बोलेंगे? पिलू ने तो पिलुबू भी बोल सकते हैं। कुएं के पास बच्चों को मत भेजो। कुएं के पास बच्चों को मत भेजिए। नुये दग्गर की पिल्ललनि पंपिंचकंडि। नुये दग्गर की कुएं के पास पिल्ललनि बच्चों को पंपिंचकंडि, मत भेजिए। పిల్లలు చెట్టు మీద కూర్చున్నారు పిల్లలు బచ్చే చెట్టు మీద పేడ్ పర్ కూర్చున్నారు బేఠే హే కిందక దింపండి నీచే ఉతారియే బచ్చే పేడ్ పర్ బేఠే హే నీచే ఉతారియే పిల్లలు చెట్టు మీద కూర్చున్నారు కిందక దింపండి బచ్చే पेड़ पर बैठे हैं नीचे उतारिए। बच्चे बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। बच्चे बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। बच्चे पिल्ललु पेद्दवाళ్ళ మాటలని बड़ों की बातों को ध्यानंगा వినాలి, ध्यान से सुनना चाहिए। पिल्ललु पेद्दवाళ్ళ మాటలని ध्यानंगा विनाली। बच्चे बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़ों की बातों को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि उन्हें सीखने का बहुत अच्छे अच्छे अवसर मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि सभी चीजें बच्चे बड़ों से सीखते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी घर के बड़े होते हैं, मुखिया हो, जो भी हो, उम्र में थोड़ा भी बड़े होना, बच्चों के सामने हम अच्छे तरह से रहना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बच्चे अच्छे चीजों को अपनाने में बहुत देर करते हैं परंतु गंदे चीजों को बहुत जल्दी ही अपना लेते हैं। समझ रहे ना दोस्तों? इसलिए हमें सभी काम सोच समझ कर करना चाहिए। ये आप लोगों से मेरी विनती है। पिल्ललु तो आलोचिंचकुंडा माटलाडकंडी बच्चों से बिना सोचे बात मत कीजिए। पिल्ललु तो बच्चों से आलोचिंचकुंडा बिना सोचे माटलाडकंडी बात मत कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों से मुझे एक बात कहना है दोस्तों। देखिए हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम जिस हिसाब से सिखाएंगे वो उसी हिसाब से सीखते हैं। समझ रहे हैं ना? सबसे ज्यादा फोकस उन्हें हमारे घर वालों को देखते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हमारा बोलचाल क्या है, हम कैसे, हमारा पहनावा क्या है, वो सब चीज हमें ध्यान से देखते रहते हैं। मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि बच्चों को इन सबसे मतलब सिखाइए, सब सिखाइए, लेकिन जितना उन्हें सीखना चाहिए उतना ही सिखाइए, क्योंकि बचपन में ही बच्चों को बड़े बड़ी बातें और बड़ी बड़ी सोच मत डालिए। ये मेरी आप लोगों से भी एक अनुरोध है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही बच्चे धीरे धीरे जब बड़े होते हैं ना बहुत बिगड़ जाते हैं और माँ बाप से भी दूर हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? बड़ों के साथ आदर से बात करो। बड़ों के साथ पेद्दल तो आदरिंच माटलाडो। बड़ों के साथ आदर से बात करो, पेद्दल तो आदरिंच माटलाडो। आ इद्दरु पिल्ललु मंची स्नेहितुलु। आ इद्दरु पिल्ललु मंची स्नेहितुलु, मतलब वो दो बच्चे अच्छे दोस्त हैं। मंची अच्छे, स्नेहितुलु दोस्त हैं। आ इद्दरु पिल्ललु वो दोनों बच्चे मंची अच्छे, स्नेहितुलु दोस्त हैं। दोस्तों आज मैंने जो वीडियो बनाया है खास बच्चों के लिए बनाया है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शैतान होते हैं, अच्छे भी होते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया था जिस प्रकार से हमारे हाथ की पांच उंगलियां अलग अलग होती हैं, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी अलग अलग स्वभाव के ही होते हैं। उन्हें हमें एक लाइन में लाना है, एक कतार में लाना है, तो पहले हमें अच्छा बनना है और उन्हें अच्छा राह ही दिखाना है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल में अभी आप लोगों से विदा लेने का समय हो चुका है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, जो साइड में बेल बटन है उसे जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैंने
भर भर के उसमें वीडियोस बनाए हैं, लेकिन हाँ दोस्तों सभी वीडियोस को आप नीचे से देखिएगा दोस्तों, ऊपर से बिल्कुल मत देखिएगा, इससे आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के साथ, विभिन्न क्रियाओं के साथ, भावों के साथ उसमें बताया है। तो आई होप आपको वीडियो जरूर ही अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से विदा लेने का समय हो चुका है। नमस्कार।